हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये ब्यूटीफुल सा लॉन्ग श्रग, जिसे मैंने अपनी किसी ओल्ड फैब्रिक के हेल्प से बनाया है। अगर आपके पास फैब्रिक नहीं है तो आप साड़ी की मदद से भी बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने इस फैब्रिक को पहले 2 folds किया था, फिर एक और फोल्ड करके मैंने इसे 4 folds कर दिया है। अब जहाँ फोल्डेड साइड है वहाँ पे अपनी कुर्ती प्लेस कर लेनी है। आर्म होल्स की जगह पे आप ऑल पिन लगा लीजिए, ताकि जब आप मेजरमेंट लें तो आर्म होल यहाँ वहाँ ना हो और आप बहुत आसानी से मेजरमेंट ले सकें। तो अब मैं नेक का और शोल्डर का और आर्म होल्स का साइड की फिटिंग का मेजरमेंट ले रही हूँ। मुझे सिर्फ साइड की हल्की सी फिटिंग चाहिए, ये श्रग है इसलिए हम स्लांट ले लेंगे सारे फैब्रिक। अब इसे हम कट कर देंगे सिंपली। कट हो जाने के बाद अपने ऑल पिंस निकाल कर अपना ये फैब्रिक रिमूव कर दीजिए और अपने इस फैब्रिक को ओपन कीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे 50 मुझे लेना है, मैंने 51 लिया है। अब मैं फ्रंट के फैब्रिक को लूँगी, बैक के फैब्रिक को हम निकाल देंगे क्योंकि हम उसमें नेक ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे। सिर्फ एक मामूली सा हमने 1 inch का मार्जिन दिया था, जैसे कि आप पहले देखे थे। अब इस फैब्रिक को हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसमें एटलीस्ट 7 to 8, 10 जितने भी इंचज़ का आपको सामने से नेक चाहिए आप उतना बना लीजिए एक वी शेप का। मैं यहाँ पे करीबन 9 inch का ले रही हूँ और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके इसे मैं कट कर दूंगी। इसे कट करने के बाद हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसका जो बैक का फैब्रिक है वो भी इसके ऊपर प्लेस करेंगे। इसका जो बैक फैब्रिक है इसके ऊपर प्लेस करेंगे और प्लेस करने के बाद हम इसका जो शोल्डर है वो हेम कर देंगे। हम पहले सामने से कट नहीं करेंगे बल्कि शोल्डर हेम कर देंगे। यहाँ पे मैंने शोल्डर हेम कर दिया। अब हम मिडिल के नेक से पकड़ते हुए इसे फ्लिप करेंगे, फोल्डेड करते हुए अपनी तरफ इस तरीके से, जैसे कि मैं वीडियो में कर रही हूँ। इस तरीके से आपको फ्लिप करना है अपनी तरफ और फिर इसे हम मिडल से कट कर देंगे। इस तरीके से आपको एंड तक कट कर देना। अब हम स्लीव प्रिपेयर करेंगे। स्लीव के लिए मैंने सेम ही फैब्रिक का इस्तेमाल किया है, उसे वापस से मैंने 4 folds कर लिया और फोल्डेड साइड मैं अपनी स्लीव्स का मेजरमेंट ले लूँगी। फोल्डेड साइड मैं अपनी स्लीव्स का फोल्डेड पार्ट रखूँगी इस तरीके से और उसके बाद मैं मेजरमेंट ले लूँगी। यहाँ पर हमें अपने आर्म्स के फिटिंग का, नीचे के आस्तीन का सारा फिटिंग इस तरीके से हमें ले लेना होगा मेजरमेंट। हमें मार्किंग करके इसे हम कट कर देंगे। कट करने के बाद हम, आप देखेंगे हमें 2 sleeves मिली है। हम एक पॉइंट कट कर देंगे ताकि हम स्लीव्स लगाते समय हमें काफ़ी ज़्यादा आसानी मिले। फिर इस तरीके से अपने श्रग को हम सीधा रखेंगे और स्लीव्स को उल्टा इस तरीके से इसके ऊपर प्लेस करेंगे और ये मेरी स्लीव्स लग चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब मैं अपनी साइड्स का फिटिंग दे दूंगी। हमें यहाँ पे हल्की सी फिटिंग देना है नीचे तक का। यहाँ पे मेरी फिटिंग हो चुकी है जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। ऑल ओवर ये मेरी और नीचे का भी पार्ट मैंने हेम कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, फ्रंट के पार्ट को डबल फोल्ड करके इस तरीके से आपको डबल फोल्ड करते हुए ऑल ओवर हेम कर देना है। तो यहाँ पे मैंने वो भी हेम कर दिया। अब मैं यहाँ पे बटन ऐड करूँगी। बटन मैंने सुई धागे के हेल्प से ऐड किया है और एक लूप बनाऊँगी ताकि हम बटन को उसके अंदर पुट ऑन कर सकें। मैंने एक ही बटन यूज़ किया क्योंकि ये श्रग है, नॉर्मली हम ओपन ही रखते हैं, पर अगर आपको क्लोज करना है तो आप इस लूप को लगा के बटन के सहारे से इसे क्लोज भी कर सके पहन सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये मेरा आज का ये जो श्रग मैंने आपके लिए बनाया है वो रेडी हो चुका है और ये कितना ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। आप इसे वेस्टर्न पे, इंडियन पे, कहीं भी बहुत ही इजी तरीके से वेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर टिल द नेक्स्ट टाइम।